क्या उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में मजबूत भू कानून के खिलाफ हैं? भगत सिंह कोश्यारी ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा तमाम मीडिया में हो रही है और राजनीतिक गलियारे में हो रही है। क्या भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश या उनकी सलाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानेंगे? और भू कानून पर अभी तक क्या क्या हुआ है और सरकार भविष्य में क्या फैसला ले सकती है, यह सारी बातें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह मैं जरूर करूंगा कि इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से एक ऐसा मुद्दा जीवित हो चुका है जिसके इर्द गिर्द पहाड़ की राजनीति घूम रही है। कभी देहरादून, कभी हल्द्वानी, कभी गैरसैंण, यहां पर लगातार मजबूत भू कानून को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। राज्य सरकार यानी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और शासन एक कमेटी बना चुका है जो सिफारिशें आई है उसका अध्ययन करने जा रहा है या जल्द ही उस पर कोई अपनी सिफारिश वो भी प्रस्तुत करेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार कोई मजबूत फैसला लेती इससे पहले ही भगत सिंह कोश्यारी ने एक बयान दिया, बयान ऐसा जो मजबूत भू कानून को थोड़ा दूर खिसकाने जैसा है और इसके बाद ही कई लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। पहले आप भगत सिंह कोश्यारी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था, संभवतया उसमें कुछ बदला हुआ है, आगे समय आने पर मुझे लगता कि सरकार ठीक करेगी। और उस जमीन में अभी भी गोल खाते चलते हैं, अगर किसी ने 50 नाम है, 5 भाई हैं, उनमें से किसी एक ने सबका भी ले लिया तो भी चल जाता है। यानी एक प्रकार से जो इनका भूमि का सेटलमेंट होना चाहिए, तो एक जो भूमि की दृष्टि से भू कानून से भी पहले जो ज्यादा जरूरी लगता है कि तत्काल हम सब लोगों को लैंड सेटलमेंट यानी भूमि बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर भूमि बंदोबस्त नहीं होगा तो आप चकबंदी भी नहीं कर सकते। अब भूमि बंदोबस्त नहीं है तो ये जो भू कानून की बात हमारे बहुत से लोग बोलते हैं वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिकतम क्या है कि जल्दी से जल्दी लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। इस संबंध में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये लैंड सेटलमेंट, इसमें कम से कम हर एक इंच नापा जाता है तो लगेगा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, पर एक बार के लिए हो गया तो क्लियर चीज हो जाए। तो आपने सुना, भगत सिंह कोश्यारी ने सीधा सपाट शब्दों में कहा है कि भू कानून तो बात की बात है, भू कानून को बाद में लाना चाहिए, उससे पहले लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। लैंड सेटलमेंट यानी उत्तराखंड के गांव में, पहाड़ों में गोल खाते हैं। गोल खाते यानी कौन सी जमीन किसकी है यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मतलब एक परिवार की जमीन है लेकिन परिवार में किस सदस्य की कौन सी जमीन है यह स्पष्ट नहीं है और इसके लिए पहले बंदोबस्त होना चाहिए, लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि 1962 के बाद अब तक लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है और सबसे पहले उसी को किया जाना जरूरी है, भू कानून उसके बाद की प्रक्रिया है। कई जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर भू बंदोबस्त पहले हो गया, चकबंदी पहले हो गई तो चक इकट्ठा हो जाएगा और भू माफियाओं के लिए यह आसान होगा उस चक को हथियाना, उसको खरीदना। ये एक थ्योरी सामने आती है। वैसे आपको बता दें कि 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की भू कानून की राजनीति में आए हैं जिसने कई बार इस मुद्दे को जीवित किया है। 2006 के आसपास, 5-6 के आसपास एनडी तिवाड़ी ने
जमीन खरीदने की जो सीमा थी उसको सीमित कर दिया था, नगर निगम की सीमा के बाहर सिर्फ 500 वर्ग मीटर ही जमीन खरीदी जा सकती थी। उसके बाद बीसी खंडूड़ी साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस सीमा को और कम कर दिया, 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीदने की सीमा निर्धारित की नगर निगम की सीमा के बाहर। नगर निगम नगर पालिका के भीतर कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है, लेकिन जो कृषि की जमीन है निगम या नगर पालिका नगर पंचायत की सीमा के बाहर है वहां पर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। इसमें एक बदलाव करने की कोशिश हरीश रावत ने की जब उन्होंने चकबंदी को लेकर एक्ट पास कर दिया था और चकबंदी को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी सरकार आगे नहीं बढ़ पाई, सरकार उनकी चुनाव में हार गई। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का शासन आया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ी रियायत तमाम उद्योगपतियों को दे दी, 12.5 एकड़ तक की जमीन ही कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में खरीद सकता था, इसको उन्होंने छूट दे दी। यानी उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति उद्योग के नाम पर 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद सकता है, यह छूट त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने 2-3 और छूट दी थी, जो शासन परमिशन देता था जमीन खरीदने के लिए वो शासन से हटाकर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दे दी थी डिसेंट्रलाइज करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया था और रिजॉर्ट बनाने होटल बनाने के लिए लोग 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद सकते थे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार कुछ आगे बढ़ने की दिशा में सोच रही है और जो 2017-18 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने लिबर्टी दी थी, छूट दी थी, उस छूट को शायद वापस कर ले और इसी के इर्द गिर्द मजबूत भू कानून राज्य सरकार बता दे अपना, जो खंडूड़ी साहब के समय से चला आ रहा था और उद्योगों के लिए जो आदमी जमीन खरीदना चाहता था उसको परमिशन राज्य सरकार दे सकती थी। लेकिन शासन या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर कोई फैसला लेते उससे पहले ही भगत सिंह कोश्यारी का बयान आ गया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जो मजबूत भू कानून है वो नंबर 2 पर होना चाहिए, उससे पहले बंदोबस्त जरूरी है और अगर ये हो जाएगा तो लोगों की जो वास्तविक जमीन है वो उनको पता चल पाएगा और इंच इंच जमीन की नपाई होनी चाहिए, यह भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है। अब देखना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले क्या फैसला करते हैं, क्या पहले वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छूट दी थी उसको नियंत्रित कर लेते हैं या उसको खत्म कर देते हैं और मजबूत भू कानून बताने की कोशिश करते हैं जनता को, या भगत सिंह कोश्यारी की बात पहले मानते हैं उनकी बात, यानी पहले चकबंदी या बंदोबस्त होगा। वैसे अगर आपको बता दूं, अगर बंदोबस्त या चकबंदी के फेर में राज्य सरकार फंस गई तो भू कानून लागू हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चकबंदी और बंदोबस्त में हो सकता है कई वर्षों का समय निकल जाए, हो सकता है दशक भर भी निकल जाए, चकबंदी होना बंदोबस्त होना बहुत आसान काम नहीं है। अब देखना यह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या फैसला करते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कितना दबाव में आने के लिए इस तरीके के बयान अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रिया के रूप में आते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।